Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. के माजूर अफराद भी अपना अपना वोट कास्ट करने यहां पर पहुंचे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की माफी कबूल कर ली है और वो क्लियर हो गए हैं इलेक्शन कमीशन से दोनों मुकदमात में। उस पर भी बात करना चाहेंगे। आप क्या समझते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सियासत को, खासतौर पर इमरान खान को इलेक्शन क्लियर इलेक्शन कमीशन से क्लियर होने के बाद? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। न सिर्फ इमरान खान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए बल्कि रिटर्न फीनामा दिया और फिर बाहर आकर गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि तनकीद करने का हरगिज मतलब नहीं था कि वो किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि इसमें कोई शक नहीं है जो इमरान खान कह रहे थे कि सब लोग कहते हैं कि धांधली होती। 1970 की इलेक्शन के बाद कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें धांधली की शिकायत ना की गई हों, और इस प्रोसेस को कम से कम ज़रूर शफाफ बनाना चाहिए। बार बार इमरान खान आज भारत की एग्जांपल दे रहे थे, इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस की लेजिटिमेसी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे। हमसाया है उससे यकीनन वो चाह रहे थे कि हमारा निज़ाम भी कुछ सबक सीखे और इलेक्शन में जो इंटरफेरेंसेज होती हैं, इंजीनियरिंग्स होती वो ना हो। दूसरी तरफ NA4 पेशावर का बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, इसको महज एक बाय इलेक्शन ना समझा जाए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट भी लड़ रही है इलेक्शन। उनका अपना उम्मीदवार है नासिर खान साहब, वहाँ पर रायात भी सुन रहे हैं कि ये जो बिजली के सामान हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, ये खंबे हैं, दीगर सामान जा रहा है, और इसी तरह से सूबाई हुकूमत भी पूरा जोर लगा रही है। सूबाई हुकूमत की डिस्पोजल पर तमाम महकमे हैं, उनके मुखालिफिन यही इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, और उस दूसरी तरफ फिर पीपल्स पार्टी और ANP हैं, अपना अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, क्योंकि ये दोनों जमातें पिछले जो 5 साल गुजरे 2008 से 2013 तक वहाँ पर ये इत्तहादी थी। इसके साथ साथ सुबह भी एक अहम सियासी डेवलपमेंट थी। मरियम नवाज़ साहिबा पेश हुई थी, कैप्टन सफदर भी उनके सामने, और मरियम नवाज़ साहिबा ने वही शिकायत की जो कि 28 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद या जब पैनामा केस शुरू हुआ वो आती नहीं। मैं अपने मेहमानों का तारफ भी करा देता हूँ। यहाँ मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जान अचकदई साहब, बहुत शुक्रिया, मुस्लिम उनकी तर्जमानी कर रहे हैं, मरकजी रहनुमा हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, ये मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं कौमी वतन पार्टी के। कौमी वतन पार्टी इज़ हेडेड बाय आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाओ, और आज NA4 के इलेक्शन में ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हमायत कर रहे हैं। मुझे आसमा शिराजी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं टेलीफोन लाइन पर, वन ऑफ़ द मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट इन इस्लामाबाद और एल्सवेयर इन द कंट्री, वो खुद एम करती हैं फैसला आपका। और हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी एजाज साहब, PTI के मरकजी रहनुमा हैं, लाहौर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। अच्छा गदई साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, हम सुबह जब बात कर रहे थे इमरान खान उस वक्त इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, माफ़ीनामा लिखा उन्होंने, जो माफ़ीनामा लिखा इससे आप समझते हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन की लेजिटिमेसी, उसका दुरुस्त होना आज तस्लीम कर लिया? देखिए, पहली बात तो ये कि आज उन्होंने कहा कि जो खराफात हमने कहे थे इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ वो गलत थे, मैं गलत था और उस पर माफ़ी मांगी। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा तनकीद करने का मकसद किसी की ज़ात को उछालना नहीं है ना, लेकिन जब ये एग्जैक्ट उनके वर्ड ये बाहर कहा, लेकिन जब उन्होंने माफ़ीनामा टेक्स्ट किया, टेक्स्ट में यही है कि एक लॉजिक जस्टिफिकेशन होता है। उन्होंने कहा कि 70 के इलेक्शन के बाद कोई इलेक्शन या उससे पहले भी जो हुए किसी ने क्रेडिबिलिटी तस्लीम नहीं की, तनकीद का मकसद ये था उसको मुस्बत लिया जाए, ये था कि शफाफियत आए, आजादाना हैसियत इलेक्शन कमीशन होने वाले इलेक्शन की बहाल हो, ये उनका तो मुद्दा इस बात पे तो कंटेंट ऑफ कोर्ट नहीं बनता। अगर ये अल्फाज जो आपने कहे ये तोहीन अदालत तो नहीं है, फिर कमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने तोहीन ECP की है जिसने आज नाक रगड़ना पड़ा और आज वो गिरफ्तार होने के जो खतर से गिरफ्तारी तो अरेस्ट वारंट तो हाई कोर्ट ने खत्म कर दी, सस्पेंड तो वो फर्दर हेयरिंग के बाद जो है वो इसको रखेंगे या खत्म करेंगे, लेकिन ये बहरहाल तलवार उनके सर पे थी, 4 साल से वो अथॉरिटी चैलेंज करते आ रहे थे। तो अब मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि किस तरह ACP ने उजलत में इस तरह जो है माफीनामा इनका एक्सेप्ट किया, किस तरह जो है एक सॉफ्टली अप्रोच जो है हमें मिला। तो क्या करता इलेक्शन कमीशन, देखे ना अरेस्ट वारंट हाई कोर्ट ने खत्म कर दिए थे, पहले एक समाअत हुई तो PTI कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन के पास तो ये अख्तियार ही नहीं है सारा कुछ
करने, आप कहते हैं उजलत में तो इज्जत बच गई, अच्छी बात नहीं है। पहली बात ये कि आप एसीपी पे हमला करो, आप पार्लियामेंट पे हमलावर हो, पीटीवी पे हमलावर हो, और फिर कल आप माफ़ी मांगो और कहो कि जी आई रिग्रेट इट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो खान साहब के लिए एक है और अमीर और गरीब के लिए दूसरा है। तो या तो हम कहें कि आइन में तरमीम करें, एक वन मैन स्पेसिफिक जिसका नाम इमरान खान है। आप वेलकम करते हैं नून लीग की तरफ से, वो पेश हुए, माफीनामा लिखा, ये आज उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। आप आयशा गुलेलाले के वकील थे इलेक्शन कमीशन में, आपने केस लड़ा, वो कहते हैं कि आज भी पीटीआई कह रही है कि उनके साथ फेवर की गई है, नून लीग कह रही है कि खान के साथ फेवर की गई है, क्या यही कमेंट्स कंटेम्प्ट का बायस नहीं बनते, इसी तरह के कमेंट? फिर इमरान खान थोड़ा सा आगे चले जाएं, कोई थोड़ा सा पीछे रह जाए। लेकिन शौकत साहब, बात यह है कि जमहूरियत में इदारों की ताज़ीम बड़ी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जब बड़े लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स ताज़ीम नहीं करेंगे तो आप आम आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ताज़ीम करें? तनकीद भी तो हक है ना, ताज़ीम आपने बात कर दी। अब आ गई, आपको फैसले अच्छे भी नहीं लगेंगे, कभी आपको अच्छे लगेंगे फैसले। अगर आपको मिसाल के तौर पर, भी आपने आयशा गुलेलाले की बात की, वो एक फैसला आया, उस पर पीटीआई का रिएक्शन ये नहीं है कि कानून की इस शिक की इंटरप्रिटेशन सही नहीं है उसकी, वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, उसके बच्चे जो हैं कहां कहां पे नौकरी कर रहे हैं। तो वो देखिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पीटीआई कहती है, बड़ा स्पेसिफिकली कहते हैं कि आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये के पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। जब वो, ये पीटीआई का आर्गुमेंट है, मेरा नहीं है, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, वो कहते हैं कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कह दिया कि मैंने पीटीआई छोड़ दी, तो फिर वो क्यों सीट रिटेन, ये प्रिसाइज उनका आर्गुमेंट। मैं भी बड़ा प्रिसाइज, क्योंकि केस दोबारा आर्ग्यू नहीं करना चाहता। बात यह है कि सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है, इसमें इमरान खान की बदनीयती झूठ साबित हो गया कि यह सारा प्रोसेस बदनीयती पर था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो आर्टिकल 63 की रिक्वायरमेंट थी, वो उन्होंने उसका मिसयूज़ किया, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस किया। ना ये रिजिग्नेशन कहीं पे हुआ था, ना एब्सटेंशन हुई। एज अ लॉयर, एज अ लीडिंग लॉयर, और एक बड़ी पार्टी के आप मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, इमरान खान आज पेश हुए हैं, आके माफीनामा लिखा, ये इदारों के एहतराम मैं इसको वेलकम करता हूँ। देखिए, कंटेम्प्ट में हमेशा कोर्ट बड़ा मैग्निमिटी का मुजाहरा करती है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो। इसी नुक्ते जब भी बंदा आ जाता है, वो माफी मांगता है। अब मुझे उम्मीद सिर्फ ये है कि इमरान खान ने जो कहा है उन वर्ड्स पे स्टिक रहेंगे। अब तो ये ना हो कि रात को फिर उनका मूड रिटर्न दे दिए, लिख के दे, शाम को किसी और कहते हैं। तीन बार उन्होंने, तीन बार कहा माफी मांगे उन्होंने, मांगे तो इस्तीफे भी असेंबली में रिटर्न नहीं दिए थे, बाद में वापस चले। मैं आई विश के, मेरी उम्मीद ये है कि वो रात को फिर किसी और कैफियत में फिर हर्जा सराय। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आप बिजी थे, आपने हमें वक्त दिया। मेरा सादा प्रिसाइज क्वेश्चन है आपसे, आज इमरान खान साहब पेश हो गए, यहाँ मेरे मेहमान भी वेलकम कर रहे हैं, कम से कम कौमी वतन पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी तलात बैठे हैं, वेलकम किया है उन्होंने, क्या आज की पेशी और माफीनामे से मैं ये समझूं, मैं इन्फर करूं कि इमरान खान ने इस इलेक्शन कमीशन को, मैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन की क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी अब तस्लीम कर ली है, क्योंकि जब ये इलेक्शन कमीशन बना था पीटीआई कह रही थी कि ये सही नहीं है जी। शुक्रिया प्राजा साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि मसरूर शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो कानूनी माहिर के तौर पे जो अपनी राय दें, या फिर वो अलग से होके पॉलिटिकल यानी पार्टी बन के बात करें, क्योंकि दोनों मिला के जब बात करेंगे तो उनकी राय के बारे में कंफ्यूजन रहेगा, समझ नहीं आएगी। उसके बाद जो दूसरी बात आपने फरमाई है, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो अदम एतमाद या अदम इत्मीनान था, वो एक मुसलसल कंडक्ट है। उसमें जुडिशियल कमीशन से ये बात शुरू होती है, जिसमें कोई 42 पॉइंट्स लिख के दिए हैं कि ये इलेक्शन कमजोरियां हैं, और कोई एक बात भी उसमें तब्दील नहीं हुई आज तक, ना किसी को सजा मिली, जो बातें खुद जुडिशियल कमीशन ने तस्लीम की थी।
दूसरा हमारा जो उनके साथ हमेशा है और रहेगा वो ये है कि जिमनी इंतखाबात के अंदर जितनी कसम ने की किसी एक कंप्लेंट के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने कान नहीं धरा। तीसरी बात, मैं समझता हूं कि अदारों के साथ तसादुम ये पीटीआई की पॉलिसी नहीं है और ये पार्टी का फैसला था कि चेयरमैन वहां पर और जाकर अपना मौकफ पूरी तरह उनके सामने रखें। चुनाचे आप इसे अपॉलोजी टेंडर करना कह लें या रिग्रेट करना कह लें, वो अपॉलोजी तो की है ना उन्होंने, अपॉलोजी तो रिटर्न आ गई ना, वो साइन करवा गए मैं अगर आप अपनी बात मुकम्मल कर आप आर्ग्यूमेंट भी दें, आप आर्ग्यूमेंट दें। मियां अतीक साहब तशरीफ ले आए, हम उनको भी नाजरीन वेलकम करते हैं, सेनेटर साहब है जी, मियां साहब चौधरी साहब जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप इसे जैसे भी ले लें, हमने ये यानी फाइनली ये कहा कि हम यानी तसादुम की तरफ रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, वरना तो दोनों मरतबा इलेक्शन कमीशन ने जो वारंट्स जारी किए थे वो सस्पेंड कर दिए थे और एक नई बहस खुलने का इम्कान अब भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसे वारंट्स जारी कर सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन की भी उसी तरह तौहीन होती है जिस तरह तौहीन जो है। साहब ये तो खैर ये मामला ये एग्जैक्ट ये पर्सपेक्टिव तो कोर्ट में भी गया था, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब आज चूंकि अपॉलोजी रेंडर कर दी, रिटर्न दे दिया, अब के बाद आप समझते हैं पीटीआई की क्यादत इस इलेक्शन कमीशन को क्रेडिबल और लेजिटिमेट तसव्वुर करेगी आने वाले वक्त में? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मैं तो खैर अगर आप मेरी जाती लेना तो मैं तो बिल्कुल नहीं, आप मुतबर आदमी हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है आपकी ओपिनियन, सारा घोटे बिस्मिल्लाह। इलेक्शन कमीशन का एक बायस है और वो बायस ईएमएलएन और उसकी पॉलिटिक्स के हक में जाता है, इसलिए कि ये जो आयशा बीबी का फैसला हुआ है मैं समझता हूँ आइन के मुनाफी है। इसी नुक्ते पर रहिएगा आसमा शिरादी साहिबा, आपके पास, आपने एजाज चौधरी साहब की बात सुनी, मोजेज आदमी हैं, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है एज अ पॉलिटिशियन भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी। मैं उनसे जो सवाल कर रहा था यही आपसे पूछता हूं, इमरान खेल आखिर आज पहुंचे इलेक्शन कमीशन, माफीनामा दाखिल किया, क्या अब ये इलेक्शन कमीशन जिसकी पीटीआई पहले तनकीद करती रही, जब ये बना इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर उस वक्त भी कहा कि ये वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो क्रेडिबल और लेजिटिमेट होना चाहिए, आज के माफीनामे को आप कैसे रीड करती हैं? देखिए अगर आयशा गुलालई के मामले पे देखा जाए तो खान साहब बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको एक खुली इजाजत दी गई है वो तो एक बहुत बड़ा सवाल है, और अगर आज के वाकये को देखा जाए तो अगर यही करना था यानी गुस्ताखी के बाद माफी, तो उनको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, इतना इदारा ताकि ये तासुर पुख्ता हो जाता कि वो इदारों का वाकई एहतराम करते हैं और उनको जाने में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। बहुत खुशआइन बात है कि आज वो इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं, उन्होंने कहा है कि गलत फहमी की बुनियाद पे था जो कुछ भी था, काश कि ये सब कुछ बहुत पहले हो जाता तो ये वारंट ना निकलते, ये सब चीज़ें ना होती। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कुछ फैसले हुए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है क्योंकि फैसलों पर सकता है सवाल, लेकिन जहाँ तक उनकी गुस्ताखी और फिर माफ़ी का मामला था तो मेरा ख्याल है कि आज जो उन्होंने किया है ये बहुत पहले कर लेते तो इमरान खान साहब के ऊपर ये सवाल भी ना उठता कि उन्होंने इदारों का एहतराम नहीं किया। लेकिन क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि महज एक इदारे की बात नहीं है, आपको मालूम है इस्लामाबाद की सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में और भी केसेस पड़े हैं, एटीसी की तरफ से भी अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं, क्या एज अ तजदिया निगार, मैंने कहा ना वन ऑफ द मोबल जर्नलिस्ट यू आर, क्या इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में आ गए इसी तरह दीगर अदालतों में भी चले जाएं, वहाँ अपने आप को पेश करें, सब जानते हैं कि वो दहशतगर्द नहीं है, इमरान खान के वर्स्ट जो क्रिटिक्स हैं वो भी नहीं कहेंगे कि इमरान खान कोई दहशतगर्द, अदालतों का एहतराम तो बहरहाल सब कहते हैं, सब पर लाजिम होता है जी, बिल्कुल मेरा ख्याल है उनको जाना चाहिए और इस पे कोई दो राय नहीं है कि खान साहब को इदारों के सामने ना सिर्फ जाना चाहिए बल्कि उनका एहतराम
अमलन दिखाना भी चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, फिर इलेक्शन आ रहे हैं, फिर हम तनकीद भी करते हैं कि जी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल मावरा है हर चीज। खान साहब उसमें नहीं आते, वो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको अवाम के साथ और इदारों के साथ उसी तरह रहना है जिस तरह से एक सियासी रहनुमा जो है वो रहता है। और आपने देखा होगा कि हम बार बार क्यों एग्जाम्पल देते हैं पीपल्स पार्टी की, कि पीपल्स पार्टी के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ के जमाने में भी पहले बीपी के हवाले से जरदारी साहब के, गिलानी साहब के, फिर हामिद सईद काजमी साहब के जितने कुछ भी इल्जाम थे वो नैब थी या अदालत, लेकिन आप देखिए वो गए हाजिर हुए, तो एक अच्छा तासुर मिलता है कि जब आप वो सिर्फ गए नहीं, वो गए नहीं, उन्होंने तो सजाएं भी भुगती, केस चलते रहे, जितनी किसी केस आनी थी उससे ज्यादा तो वो जेलों में रहे, लेकिन इदारों का एहतराम किया, अदालतों का एहतराम किया। पेश हो, यू आर वेरी राइट, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखिए, और खान साहब को तो बहुत लोग आइडियलाइज करते हैं, मैं ये बात बार बार करती हूँ कि खान साहब को अंदाजा ही नहीं है कि उनकी फॉलोइंग क्या है, और उनको नौजवान जिस तरह फॉलो करते हैं अंधाधुंध, मेरा ख्याल है कि उनको अच्छे प्रेसिडेंट, अच्छे प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। इसी नुक्ते पर रहिएगा, इसी नुक्ते पर रहिएगा। मियाँ साहब, आप विस्पर भी कर रहे थे दरमियान में, इंटरप्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, ब्रीफ बात की उन्होंने, बात तो दुरुस्त है। वो कहते हैं कि 1970 के इलेक्शन के अलावा कोई इलेक्शन क्रेडिबल नहीं हुआ। इलेक्शन की आर्टिकल, आइन के आर्टिकल 213 से ले लें, 222 तक चले जाएं, जिम्मेदारी है बुनियादी एक आजाद शफाफ इलेक्शन करवाना, वो नहीं हो सका। अगर कोई तनकीद कर देता है तो उसको आप बुला लें कि आए जी तौहीन अदालत में पेश हो जाए। नहीं देखिए, मैं फिर इस पर यह बात कहूँगा सिर्फ, कैसे अब यहाँ बात ये नहीं है कि आप तनकीद करते हैं, बिल्कुल हक है जहाँ तक आप बात करते हैं। आपका सवाल आपके पास, वेलकम बैक नाज़रीन, आप खसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं आज टेलीविजन पर, और आज एम डेवलपमेंट्स के हवाले से, यानी पहले एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हुई मरियम नवाज साहिबा की, उसके बाद इमरान खान पेश हुए इलेक्शन कमीशन में और उन्होंने बाकायदा माफ़ीनामा टेंडर किया। माफ़ीनामे का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कंसीड कर गए, बल्कि उन्होंने ख़ुद भी वजाहत की कि उनकी तनकीद जो हुआ करती थी उसके पीछे सिर्फ ये स्पिरिट थी कि भारत में अगर 800 मिलियन वोट डालें और वो हारने वाले भी शेक हैंड करें, मुबारकबाद दें, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों जी अचकदई साहब, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, पहली बात ये कि आज भी वो कह रहे थे कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, आज भी वो कह रहे थे कि जो मैंने खुराफे थे वो इस स्पिरिट में कहे थे, आप दिल पे ना लें, यानी मैंने वहाँ पे तो थेरी माफ़ी मांगी है, लेकिन बार में वही बात करूँगा जो अभी तक मैं कहता नहीं। स्पिरिट, अगर आप उनकी स्पिरिट को वाकई सही समझते हैं, फिर तो उन्होंने वजाहत कर दी ना कि मेरा मकसद ये होता था कि इलेक्शन आज़ादाना हो, मुनसफाना हो, शफाफ हो, चार हलकों की आज फिर उन्होंने बात की। अब कल काबीना ने डिलिमिटेशन का बिल रेफर किया है कि कौमी असेंबली में पेश होगा। अपोजिशन लीडर कह रहे हैं हुकूमत, तमाम सियासी जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाए, हुकूमत जग तरफा ना करे। अगर इस हद तक भी हुकूमत अपोजिशन को, लाइक माइंडेड जमातों को, इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती, फिर सवालात तो उठते हैं, फिर रिएक्शन इसी तरह भी आ सकता है। तो हम जो सुबह शाम जब हम जजमेंट पे तंकीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो नाइंसाफी मबनी है, ये हमें कहते हैं कि आप तोहीन अदालत कर रहे हैं, ये हमें कहते हैं कि आप अदलिया से जो है टकराव कर रहे हैं, यानी हम फेयर कमेंट का राइट इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे तो टकराव है, वहाँ पे तो तोहीन अदालत है। खान साहब जो पिछले 4 साल से हमलावर हैं CCP पे, फिज़िकली ये लोग वहाँ पर गए, इन्होंने वहाँ पर धरने दिए, फिज़िकली किया बिल्डिंग्स पे, अब भी खान साहब कानून के जो है रखवाले हैं और हम जो है कानून के बागी हैं। ये इस तरह दो मयारात किस तरह तो मांगी ना कि इलेक्शन कमीशन ने कहा, बैरिस्टर साहब उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगे, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा कि आप रिटर्न दें, उन्होंने रिटर्न दी, उन्होंने कहा यहाँ बैठ के साइन करें, बाकायदा कैमरों पे फोटो आई कि इमरान खान साइन कर रहे हैं, इससे ज्यादा हाँ बिल्कुल। देखिए बात यह है कि एक तो ये बात मैं नहीं मानता कि वो सिर्फ एक जेन्युइन तनकीद थी, अगर जेन्युइन तनकीद थी तो फिर माफ़ी की बात नहीं थी। अब इलेक्शन कहना कि ये नून लीग का इलेक्शन कमीशन है या ये पीपल पार्टी का इलेक्शन कमीशन है, ये तनकीद के ज़ुमरे में आयशा गुलेलाले के केस में फेवर की गई। अब ये देखिए, अब मिसाल के आयशा गुलेलाले की बात आई, देखिए 2-3 मैं आपको बातें बताऊंगा कि मामला हुआ क्या बेसिकली। अब इसमें ये है आर्टिकल 63 के तहत जो इमरान खान ने रेफरेंस नुमा एक चीज़ भेजी थी इलेक्शन कमीशन में, और वो उन्होंने कहा कि भाई आयशा गुलेलाले तुमने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ
और तुमने एब्सटेन किया, शेख रशीद मेरे दोस्त को वोट नहीं दिया। हमने इलेक्शन कमीशन में ये बात की कि देखिए आर्टिकल 63 के शुरू करने के लिए आईन में एक फंडामेंटल प्री रेक्विजिट दिया हुआ है कि वो एक शो कॉज नोटिस सर्व करेंगे उस एमएनए को पहले, उसके बाद ये प्रोसेस होगा। और इमरान खान की बदनीयती हम रिकॉर्ड पर ले आए कि 10 अगस्त का इमरान खान शो कॉज नोटिस साइन करता है और उसमें लिखता है आयशा गुलालई 17 तारीख तक इसका जवाब दो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा, और उसके बाद ये अपने कोर्ट की जिम्मे भाल के रखते हैं। 18 अगस्त को इमरान खान पोस्ट करता है ये खत, ये बदनीयती आ गई। दूसरी 23 अगस्त को आयशा गुलालई जवाब लिखती है, उसकी कोरियर रसीदे ओरिजिनल हम लगाते हैं, 24 को मिलता है और इमरान खान ने स्पीकर कौमी असेंबली और इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला। ये रिकॉर्ड पर आ गया है झूठ इमरान खान का कि मुझे आयशा गुलाली का जवाब नहीं मिला। सो बैरिस्टर साहब माजरत के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ये समझूं एज अ कॉमन सिटीजन एज अ कॉमन व्यूअर कि जो रेफरेंस खारिज हुआ है वो इस प्रोसेस के कंप्लीट ना होने की वजह से हुआ है, ना कि मेरिट पे। पहली बात इमरान खान की बदनीयती पर, ठीक है। दूसरी बात को आप बदनीयती कह रहे हैं कि उन्होंने जेब में रखा, जेब में रखा। दूसरी बात इस्तीफा, कहीं पे हम बार बार मैं मांगता रहा कि मुझे इस्तीफा तो दिखा दे, किधर दिया आयशा गुलानी ने इस्तीफा? वो कहते हैं एक चैनल पे उसने कहा था मैं पार्टी छोड़ रही हूं। अब ये अल्फाज जो हैं ये इस्तीफा नहीं होते। इस तरह तो 2014 को इमरान खान कौमी असेंबली भी छोड़ दी थी, सूबाई असेंबलियां भी छोड़ दी थी, मियां साहब की पार्टी ने भी छोड़ दी थी, मियां साहब की पार्टी ने भी छोड़ दी थी। वो इस्तीफा जो है वो नहीं होता जब तक रहे। और इस पे अब तो शायद मियां साहब कहें कि अच्छा किया था। मैं कंप्लीट कर लूं एक बात, उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 5 जजों का फैसला मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया कि इस्तीफे का जुबानी कहना नहीं होता। ये बीएनपी और अख्तर मेंगल का जब केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था, अकबर बुट्टी की कैबिनेट से कुछ लोग गए थे। 5 रुकनी मेंबर का फैसला था कि रिजिग्नेशन शुड बी फॉलोड बाय अ फॉर्मल एक्ट ऑफ रिलिंक्विशमेंट। कौमी असेंबली के फ्लोर पर 7 तारीख को आयशा गुलालई के लिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया, 23 तारीख को इमरान खान को लिख के दे रही है मैंने इस्तीफा नहीं दिया, 28 को इमरान खान कहते हैं नहीं तुमने इस्तीफा दे दिया। एब्सटेंशन की बात मैं मियां साहब जी, मियां साहब तो वो मेरिट पर फैसला हुआ है। अगर इमरान खान अब सादिक अमीन नहीं रहा, इमरान खान को चाहिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर ले। लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन को भी वार्न किया था कि सर फैसला आप कानून के मुताबिक दें, इन्होंने गाली गलौज की एक अंबार लगा देना है, और वही हुआ फिर। मियां साहब की राय ले, बैरिस्टर साहब से एक सवाल, वो बैठे हैं, पहले भी मैंने सवाल नहीं दिया, भूल गए आपने मुझे वो कहा था कि वापस मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं, मैं तो समझ जा आप तफरीक, आप तफरीक में आपके लिए बादाम लेकर आऊंगा, मैं आपके लिए बादाम लेकर आऊंगा। आपने बड़े उससे कहा था मेरा आधा, चले जी मियां अतीक बादामों वाले, बिस्मिल्लाह बादामों वाले आप हो गए। बहरहाल देखिए सर, बात यह है कि यहाँ जो नॉर्मली हमारे लीडरान हैं वो ये समझते हैं कि जो मुंह से निकल जाए बस वही होगा, चाहे वो किसी पार्टी के भी हों। लेकिन दूसरी तरफ हमें आईन को भी देखना है। मैं ख़ास तौर पर यही जो अभी बात चल रही है उसके बारे में कहूँगा कि देखिए एक प्रोसीजर आईन में डिफाइंड है, जो मेंबर पाला बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने कुछ परफॉर्म करना है, वो भी आंसरेबल हैं। लेकिन मियाँ साहब आयशा गुलाले भी नामजद थी, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। Agreed. इवन आपके केस में आपकी पार्टी ने आपको नामजद किया, जब मैं अब कोई इसको जाती मत लें, नहीं, प्लीज, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी एमकेएम पाकिस्तान ने आपको सेनेटर बना के भेजा। जी बिल्कुल दुरुस्त। उनका ख्याल है कि आप पार्टी की पॉलिसी को परसू करेंगे। दुरुस्त। आपकी पार्टी की एक पॉलिसी बनी, आपने फॉलो नहीं किया, उन्होंने आपको बुलाया, एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हुए, आप आपको निकाल दिया, मैंने मान लिया। सिमिलरली आयशा गुलेलाले का भी यही केस था। बेहतर नहीं था कि जिस पार्टी आपको नॉमिनेट करके भेज रही है आप फिर छोड़ दें, घर चले जाएं? नहीं, देखिए मेरी एक गुजारिश सुनिएगा, पार्टी ने जरूर हमें नॉमिनेट किया, बना दिया, वहां आ गए, आने के बाद हम पार्लियामेंटेरियन बन गए, ठीक है जी। अब उसके बाद ये बात आती है, उस पार्टी का रहा जिसने आपको भेजा, मान रहे हैं। मेरे कैटेगोरिक केस में मेरी पार्टी ने मुझसे कोई इस्तीफा नहीं तलब किया, मैं अपनी केस की बात कर रहा हूं, इसलिए गुलाले के केस के साथ मुझे मत मल मिलाइए, मेरा कोई डिफरेंस आज भी अपनी पार्टी से नहीं है।
उसकी वजह है वो एक पार्टी पॉलिसी थी, मैंने जवाब दिया वहां बैठकर के सेटिस्फाई नहीं हुए। लेकिन अलग चीज है, मेरी भी तो एक अपनी गुजारिश सुन लीजिएगा कि मैंने उन्हें कहा कि अगर वहां पर हमारे सेनेटर्स मौजूद होते, पार्लियामानी लीडर मौजूद होते, मैं उनको अगर फॉलो ना करता तो मैं कसूरवार था। कि क्या वजह, खुद पार्लियामेंटेरियन नहीं सर, खुद पार्लियामेंटेरियन मेंबर होना है या नहीं है, लेकिन आप तो पार्लियामेंटेरियन। राजा साहब मेरी गुजारिश सुनिएगा, देखिए मुझे डायरेक्टली किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं दी गई थी। इवन जो हमारे पार्लियामानी लीडर थे उन्होंने कोई मीटिंग कॉल नहीं की थी, कोई चीजें प्रॉपरली ब्रीफ नहीं की थी। और इसमें इतना कंफ्यूजन था इस बिल में जिसके कोई 450 के करीब सफे हैं, कितनी उसकी क्लॉजेज हैं और कितनी 37 क्लॉजेज में नहीं सर, नहीं सर 37 क्लॉजेज की 37 क्लॉजेज में चेंजेस थी, 37 क्लॉजेज में चेंजेस नहीं, एक आपकी जगह पर इत्तेदाद ऐसा एक ही क्लॉज है, वो बार-बार बात की क्लॉज में भी वोट दिया की जा सकती है। देखिए बात ये, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई किसी की जागीर नहीं है सियासी जमात। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, आप पार्टी की पॉलिसी कर सकते हैं। आसमा शिराजी साहब की राय है, ये मतलब नहीं है कि पार्टी लीडर की जो जिंसी तशद्दुद है, जो जिंसी दहशतगर्दी है, उसका शिकार खुशी खुशी होते रहे और आप उसके खिलाफ बात ना करें। ये खैर मेरे साथ नहीं, तो ऐसा जनरल बात है, तो आपने एक नई बात कर दी। जनरल बात पहले पहले की दहशतगर्दी के साथ होगा, फिर माशी दहशतगर्दी, आज आप जिनसी दहशतगर्दी को लेकर आज हमने ये नया लफ्ज सुना है, नया लफ्ज में यही देखिए, आप दो तरह की दहशतगर्दी, एक जो नॉर्मल दहशतगर्दी आप चाहिए और एक माशी दहशतगर्दी। इस जिनसी आए थे, इस जिनसी दहशतगर्दी के खिलाफ भी नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए। दूसरी बात ये, पार्टी किसी की जायदाद नहीं है, ये किसी का जातीय हेलीकॉप्टर नहीं है कि पार्टी जब मर्जी दिल चाहे उठा के ले जाए। हम 2017 में आ गए हैं, पार्टी 2017 में हम मौजूद हैं। मुझे 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 अचक दे सके, मैं एक अर्ज करूं। पहली बात यह, अब एसीपी के डिसीजन के बाद, साहिबा के डिसीजन के बाद सर्टिफाइड हो गया कि खान साहब ने झूठ बोला है, अब वो किस तरह 62-63 के मायार पे पूरा उतर सकते हैं। मेरा सवाल बिरस्टर साहब से ये है कि क्या इस पे प्रोग्राम खत्म करना है, और क्या मेंबर्स को भी तकलीफ मिली है? क्या अब सिर्फ ये नहीं है, क्या अगला जो अभी इलेक्शन आएगा, मुख्तलिफ चीजें होंगी जो भी पार्लियामेंट में अब जो सेशन आएंगे उनमें आप देखिएगा, वोटिंग के टाइम पर मेंबर अपना स्टेटस, यानी आप कह रहे हैं कि पार्टी लीडरशिप के हुक्म अहकामात, उनकी डायरेक्शन आईन में जो हुक्म दिया गया वो सब पाबंद है मानने के, तो इस पे क्या रेफरेंस बन सकता है या नहीं? बिल्कुल, इमरान खान सर्टिफाइड झूठे साबित हो चुके, कमी नहीं रहे, और अब जब डिटेल फैसला आएगा उसके बाद कैसे झूठे साबित हो सके। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा, देखिए नोटिस किस बात पे सर्व हुआ था, कंटेम्प्ट क्यों लगी थी उनके कुछ रिमार्क्स से, वो और चीज़, वो सच झूठ की बात तो नहीं थी ना, कंटेम्प्ट और बात है। वो तो जिस तरह देखे ना, वो उनकी आदत है कि अपना थूका हुआ चाट, पंचर की बात की थी उन्होंने जब असेंबली के सामने आए, जब असेंबली के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। मसरूर शाह साहब, बैरिस्टर साहब बहुत तेज जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया मियां अतीक साहब, ये सब पीटीआई अच्छी बीवी तो किचन में घर अपने मियां के लिए।